सरकार स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत बड़ी संख्या में ऋण जारी कर रही है। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए दिए जाने वाले ये ऋण बिना गारंटी के दिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने आज ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मुद्रा योजना के लाभान्वित लोगों में 72% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के सूत्र से अपने लक्ष्य को हासिल कर रही है। 8,70,00,000 से ज्यादा लोन दिए हैं मुद्रा लागू होने के बाद, उसमें 73% महिलाएं हैं। बिना गारंटी का लोन है, तो गरीबों को सक्षम बनाना, गरीबों को ऊपर उठाना, उनके हाथ में जो हुनर है उसको स्किल डेवलपमेंट इंडिया के माध्यम से और विकसित करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ करके जो वो इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाना, ये इस सरकार की प्राथमिकता है। हम 17 में संकल्प लेते हैं कि गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। ये संकल्प हम पूरा करेंगे दो चीजें जोड़कर, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, हमारा एजेंडा यही है। उसी के तहत मंत्रिमंडल में ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है और उसके रूप में आपने देखा होगा कि बहुत काबिल लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो ये हमारा जो एक सुशासन और डेवलपमेंट का जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल मोदी मंत्रिमंडल में वाटर रिसोर्सेज एवं पार्लियामेंट्री मामलों के मंत्री हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से 73 करोड़ राजू की रिपोर्ट।